लो सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज वन पॉइंट वन एज यू कैन सी योर ओके नाउ आई एम गोइंग टू रीटोर्स ट्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई योर आंसर जस्टिफाई योर आंसर नीचे हमें कुछ कलेक्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ कलेक्शन दिए गए हैं और आपको बताना ये है कि वो जो कलेक्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं वो जो कलेक्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं वो वेल डिफाइंड हैं या नहीं ठीक है सो फॉर दिस स्टार्ट फर्स्ट आपको कलेक्शन यहाँ पर पे दिया जैसे कि आपको दिख रहा है मैं स्टडी करने जा रही यहाँ पर पे सबसे पहले आपको दिया गया है क्या द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया आपने देखा मैंने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर पे कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया तो अभी फिर यहाँ पर पे आ, किसके कलेक्शंस की बात की जा रही है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स यानी कि अब जो यहाँ पर पे कलेक्शन बनाया जा रहा है फिर से वहां पर पे क्राइटेरियान कैसा आपका है आपका मोस्ट रिनाउनेड है एंड दैट्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था जो मोस्ट रिनाउनेड टर्म एंड कंडीशन पर यदि आप कलेक्शन तैयार करते हैं ऐसा कोई क्राइटेरियन आप चूज करते हैं ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कलेक्शन जो है वो वेल well डिफाइंड नहीं होता है और चूंकि कलेक्शंस वेल डिफाइंड नहीं है एंड दट्स का कोई सेट प्रिपेयर नहीं होगा तो यही आप अपना एक्सप्लेनेशन देते यहाँ पर पे ठीक है चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी में आगे हम बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ क्रिकेट बैट्समैन ऑफ दर्ल्ड अगेन यहां पर पे किसकी बात की जा रही है यहाँ पर देखिये मैंने क्या uh, क्या एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर पे लिखा है आंसर देखिये एज आंसर मैंने लिखा है अगेन द कलेक्शन ऑफ इलेवन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ दर्ल्ड इट्स नॉट वेल डिफाइंड ठीक है Because the cricket criterion for determining a batsman as most renowned may vary from person to person, पर्सन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ठीक है अगेन सेम रीजन हम देंगे यहाँ पर पे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा मैंने आपको बता दिया था जब कभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना होगा दिया गया कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं तो सबसे पहले आपको मैंने दोनों कंडीशन बता दी है कब आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है मोस्टली टाइम होता है और वेल well डिफाइंड ना होने की टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको सबसे पहले क्लियर कर दी थी वो नोट है ना क्राइटेरिया उनको लेकर वो नोट मैंने जो आपको लिखवाया था आई होप आपको वो याद होगा ठीक है चलिए आते हैं कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन हंड्रेड इज इट तो वेल डिफाइंड यस दिस इज डेफिनेटली वेल डिफाइंड कलेक्शन जस्ट बिकॉज हम ऐसे नंबर को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिस काइंड ऑफ कलेक्शन इट्स वेल डिफाइंड एंड इक्वल्स टू ठीक है देखिए सौ से कम आने वाले सभी नेचुरल नंबर्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए व्हाट्सरियल क्यों डिफाइन नहीं किया जा सकता बिल्कुल डिफाइनेबल है ये ये एक वेल डिफाइंड है अंदाजा हम सेट प्रिपेयर कर सकते हैं और सेट कुछ ऐसा तैयार होगा जैसे वन पहला तो जैसे तो आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम वन है तो नेक्स्ट टू होगा थ्री होगा फोर होगा और हम कहां तक जा सकते हैं अप टू नाइन नाइन लास्ट नंबर क्या होगा हमारे सेट का नाइन्टी नाइन जस्ट बिकॉज हमको एक रेस्ट्रिक्शन भी दे दिया साथ ही साथ हमको सिर्फ उन्हीं नेचुरल नंबर को लेना है जो लेस देन क्या हो हंड्रेड हो तो उस बेसिस पर हमारा लास्ट क्या हो जाएगा नंबर नाइनटी नाइन ओके आई होप ये आपको समझ में आया अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पूरे क्वेश्चन डील तो नहीं करा पाऊंगी एक्सरसाइज के इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें आपको डाउट आ सकता है है ना तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को ले रही हूँ जिसमें बच्चों के साथ डाउट आने की पॉसिबिलिटी है उनके माइंड में तो उन टफ क्वेश्चन के साथ मैं कंटिन्यू होती हूँ ताकि आपके डाउट आने से पहले ही क्लियर हो जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स अब देखिए यहाँ पर अब इंटीजर्स के कलेक्शन की बात कर आपको पहले भी बता दिया सेट ऑफ इंटीजर्स जो की कैपिटल z से डिनोटेड होता है और मैंने बताया था ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी आई होप आपको याद होगा तो चूंकि वेल डिफाइंड है और इस तरीके से आप सेट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसका सेट याद होगा उस दिन मैंने आपको प्रिपेयर करके कर बताया था आज फिर बता देती हूँ जैसे कि आप ले सकते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ठीक है माइनस इन्फिनाइट तक आप जा सकते हैं नेगेटिव में कहां तक आप जा सकते हैं जीरो से स्टार्टेड बेटा जीरो से टू आप लेफ्ट मूव करेंगे और मूव करते हो आप कहां तक जा सकते हैं माइनस इन्फिनाइट तक जा सकते हैं माइनस इन्फिनाइट तक के सारे नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स. सिमिलरली जीरो से आप राइट ऑनवर्ड्स चले जाइए राइट ऑनवर्ड्स वर्ड्स यानी कि वन टू थ्री नेक्स्ट आप आगे बढ़ते चले जाइए अप अपटू इंफनाइट तक सो दिस 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 इज अ वेल अर्लड कलेक्शन वेल वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड से डिनोटेड बाय कैपिटल Z. I hope आपको समझ में आया होगा चले कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप इससे रिलेटेड और जो बचे हुए क्वेश्चन है rest of the questions के साथ आप डील कर सकते हैं इस तरीके से आपको दिए गए किसी भी कलेक्शन को आप सोच समझ कर उसके लिए सेट तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पे क्या बोल है देखिए बेटा मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर पे आपको एक सेट ए दिया है आई होप आपको दिख रहा होगा इंसर्ट सी सिम्बॉल बिलोंग्स आर डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस आपको कुछ फिलअप यहाँ पर पे दिख रहे हैं फिलप इन ब्लैक्स यहाँ पर पे आपको दिख रहे हैं सिक्स नंबर में आपको ब्लैंक दिए है इन ब्लैंक्स को फिलअप करना बाई यूजिंग अप्रोप्राइट बिलोंग्स आर डज नॉट बिलोंग्स टू दो सिंबल आपको प्रोवाइडेड है एक बिलोंग्स का और दूसरा क्या यहां पर पे डज नॉट बिलोंग्स का इन दो में से किसी एक सिंबल को जो उचित हो उससे आपको फिलअप उससे आपको ब्लैंक को फिलअप करना है तो मुझे एक चीज बताइए बेटा पहले तो आप सेट देख लीजिए लेट मी क्लियर सबसे पहले आप एक सेट देख लीजिए क्योंकि देखिए आपको जितने भी फिल्म इन द ब्लैंक्स दिए हैं उन सभी ब्लैंक्स का लेफ्ट क्या है बेटा उसका लेफ्ट क्या है एलिमेंट है और राइट के यहाँ पर भी बेटा एक सेट है और वही सेट है जो आपको ऊपर में प्रोवाइडेड है लेट मी क्लियर ऊपर में आपको प्रोवाइडेड है तो जरा मुझे बताइए हाँ तो जरा मुझे बताइए ऊपर में जो सेट आपको प्रोवाइडेड है उसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा उसमें एलिमेंट वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है आई होप आपको नजर आ रहा है अब देखिए देखिए इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो टोटल सिक्स नंबर्स हैं। ये सिक्स नंबर्स में से कोई एक है है ना तो अच्छी बात है तो हम बिलोंग्स का सिंबल यूज कर सकते हैं सपोज अब हम पहले पेलेक्शन को देखते हैं हमारे पास क्या दिया बेटा पहले पेलेक्शन में फाइव दिया है ठीक है अब फाइव क्या करता है सेट में आपको कहीं नजर आ रहा है क्या वन ऑफ दी एलिमेंट्स के तौर पर आपको दिख रहा है क्या हाँ, दिख रहा है वन ऑफ द एलिमेंट्स के तौर पर फाइव हमको सेट में दिख रहा है दैट मीन्स हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं बिलोंग्स का तो फाइव बिलोंग्स टू सेट ए यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा बेटा बिलोंग्स का सिंबल आएगा इज ओके नॉट सिम्बॉल आएगाक्स्ट फिलअप में आते हैं नेक्स्ट आपको क्या दिया है एट अब मुझे बताइए एट में गो एट क्या करता है बिलोंग करता है कि नहीं करता है सट्टे में तो चेक कर लेते हैं सट्टे जो हमको प्रोवाइडेड है उसमें वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है ठीक है बट कहीं पे भी सिक्स से ओ, मतलब सिक्स से आगे वाले कोई नंबर आपको दिख रहे हैं सिर्फ elements, as a number, as a number, ये छिलीमेंट्स एज अ नंबर एज अ नंबर यही एज अ एलिमेंट यही नंबर बिलोंग कर रहे हैं सट्टे में इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो एट तो मुझे इस सेट में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है बात समझ इस नहीं दिख रहा है आप okay क्या कर सकते हैं आगे बढ़ सकते है आपको कोई भी एलिमेंट दे रहा है बाहर वाला कोई भी एलिमेंट है अंदर वाला इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय दिस प्रोवाइडेड सेट इस प्रोवाइडेड uh, सेट में आप अच्छी तरह से देख लीजिए कौन से एलिमेंट है जो है उसके लिए हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे और जो एलिमेंट से बाहर का एलिमेंट है उसके लिए हम डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे आई होप आपको समझ में आए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म क्या दिया बेटा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म अब आपको कुछ सेट्स दे दिया गया बेटा इसके लिए आपको रोस्टर फॉर्म आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है जो थर्ड क्वेश्चन को किस में दिया बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट किस में करना इसको? है इसको रोस्टर फॉर्म में तो ये टास्क थोड़ा सा समझने का है देखिये सबसे पहले एक सेट आपको दिया है क्या दिया है ए इज इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा ए इज इक्वल टू क्या दिस इज ऑफ एलिमेंट एक्स सच देट एक्स इज एन इन टीजो एंड एक्स इज ग्रेटर माइनस थ्री एंड लेस एंड सेवन दैट मीन एक्स लाइज बिटवीन द माइनस थ्री एंड सेवन भाई एक्स इंटीजर है ठीक है इंटीजर में हम कितने इंटीजर्स को ले सकते हैं उसने रेस्ट्रिक्शन हमको दे दिया हम जो सेट बनाएंगे वो इंटीजर्स का होगा बात तो कंफर्म है लेकिन हम कितने इंटीजर्स को ले सकते हैं हम माइनस थ्री और सेवन के बीच आने वाले सारे इंटीजर्स को ले सकते हैं तो ठीक है चलिए हम माइनस थ्री से ऊपर बढ़ते हैं आप माइनस थ्री से ऊपर बढ़ेंगे बेटा है ना आप माइनस थ्री से ऊपर बढ़ेंगे ऊपर बढ़ेंगे कहने का मतलब माइनस थ्री के ऊपर कौन है माइनस टू माइनस टू से ऊपर कौन है माइनस वन इससे ऊपर कौन है जीरो जीरो से ऊपर कौन है वन वन के बाद टू है देन थ्री है फिर फोर है फिर फाइव है फिर सिक्स है सेवन आप नहीं ले सकते क्योंकि हमको जो इंटीजर लेना है वो माइनस थ्री और सेवन के बीच बिलोंग करना चाहिए आहरी बात समझ तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास यही वो सारे एलिमेंट्स तैयार होते हैं और इन सारे एलिमेंट्स को बाय यूजिंग कॉमा सेपरेट कर लीजिए और एनक्लोज कर दीजिए विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल सेट व्हिच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन चलिए अब हम आते हैं इसी तरीके से आप किसी भी किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म के लिए रोस्टर फॉर्म तैयार कर सकते हैं चलिए मैं आप बताइए आप चूज कीजिए कोई भी एक आप वैसे बना लेंगे बेटा मैं जो समझा रही हूँ सपोज मैं लेती हूँ यहाँ पर पे थर्ड थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे? सेट सी इट्स है ना एक्स या बोलना चाहिए ठीक है बेटा समझ में आ रहे हैं देखिये अभी इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा एक्स से मिलकर के बना सेट है ठीक है बेटा एक्स से मिलकर के बना सेट है आपका ओके फाइन लेकिन ये टू डिजिट नंबर से मिलकर के बने और ऐसे टू डिजिट से मिलकर के बने नंबर का सेट है बेटा जो असल में जिनका सम क्या आता है जिन टू का सम क्या है बेटा आठ के बराबर है तो मुझे बताइए आठ को पहले तो आप ब्रेक कर लीजिए ऐसे दो डिजिट्स के सम में आठ को ब्रेक कर लीजिए तो चलिए कैसे हो सकता है सबसे पहले मैं लिख सकती हूँ ना वन प्लस सेवन इज इक्वल्स टू एट टू प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू एट अगेन थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट फोर प्लस फोर इज इक्वल्स टू एट

सिक्स प्लस टू से मेरा मतलब नंबर सिक्सटी टू से है सेवन प्लस वन से मतलब मेरा सेवनटी वन से सिमिलरली एट प्लस जीरो से मेरा मतलब से है मी क्लियर आप यहां पर जीरो प्लस एट नहीं ले सकते हैं एट को आप जीरो प्लस एट में इसलिए ब्रेक नहीं कर सकते बेटा क्योंकि यदि आप उसे जीरो प्लस एट में ब्रेक करते हैं तो एडिशन तो एट हो गया बट जीरो प्लस एट जीरो एट तैयार होगा और जीरो एट जो कि एक टू डिजिट नंबर नहीं है एक सिंगल सिंगल डिजिट नंबर कहलाएगा तैयार हो रहा है वो क्या कह -क्या रहे हैं तैयार तो हो जाता है बताइए एक्चुअल क्या सेट तैयार हो जाता है आपके पास एक्चुअल जो सेट तैयार होता है वो कुछ ऐसा रहेगा ठीक है आप इन एलिमेंट्स को लेकर के अपना रोस्टर फॉर्म तैयार कर लीजिए यानी कि सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी फाइव फिफ्टी थ्री सिक्सटी टू सेवेंटी वन और एटी आधी बात समझ पर एलिमेंट्स यहाँ पर पे शामिल होंगे यही वो नंबर्स हैं जो असल में क्या यहाँ पर यही वो टू डिजिट्स नंबर हैं जिनका सम क्या आ रहा है यहाँ पर एटी एट के इक्वल्स आ रहा है। तो हमने वो नंबर तैयार कर लिए पहले हमने गैसिंग की गैसिंग करने के बाद हमने उनको Uh, अपने कलेक्शन में शामिल कर लिया और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये ही वो है जो की है, उस के अब हम आते हैं, के और याने आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन आप चूज कीजिए मैं कौन सा बताऊँ uh, चलिए पांचवा बताते हैं आपको फिफ्थ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए कोई सेट ई e. किस तरीके का सेट है बेटा यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक में आने वाले सारे लेटर से मिलकर के बना सेट ई है तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को देख लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर तो चलिए यदि मैं बात करती हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक की पहले मैं लिख लेना चाहूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या आता है देख लेते हैं अपन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक में टी आता है ठीक है टी आ रहा है टी के अलावा आर आता है आई आता है जी आता है ओ आता है एन आता है एन के अलावा एम भी आता है और एम के अलावा ई भी आ रहा है आपका और ई के अलावा यहाँ पे वाई आता है आरी बात पर समझ तो लेटर ट्रिग्नोमेट्रिक में लेटर ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ यही वो लेटर्स हैं जिनसे मिल करके आपको वो बना है है ना कितने कितने लेटर्स हो काउंट कीजिए पर मिलकर देखिए अब आप सोच रहे हो यही वो एक्चुअल रिक्वायर्ड सेट है यही वो आपका फाइनल आंसर है यहाँ पर भी क्या होता है जैसे मैंने आपको सेट सेट थ्योरी पढ़ाते और पहले भी भी बताया में कभी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं जैसे इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक में लेट मी क्लियर इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक में ठीक है क्या हो रहे हैं यहाँ रिपीटेड है टी रिपीटेड है आर भी रिपीटेड है ओ भी रिपीटेड है तो वर्ड में रिपीटेड हो चलेगा बट सेट में लेटर्स या एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते ये बात आपको पता होनी चाहिए टी यहाँ पर पे पे कितने टाइम्स 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 है 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 टू 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 वन रिपीटेड यानी जो वो पर सिमिलरली भी और हमारा ओ भी टू टाइम्स है बट हम उसे सिंगल टाइम्स लेंगे जब हम अपना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि एज अ सेट तैयार करेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे तो विदाउट रिपीटेशन ये वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर पे जिनसे हमारा एक्चुअल सेट तैयार होता है यहां पर और ये वही एलिमेंट्स में बेटा वही लेटर्स है जो वह ट्रिग्नोमेट्रिक से लिए गए हैं इज दैट ओके कैन नॉट चलिए इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं अब हम ठीक है अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्थ किस क्वेश्चन की क्यों ओर आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर आएंगे हम्म देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर पे राइट दि फॉलोइंग सेट इन दैट बिल्डर फॉर्म आपको कुछ सेट यहाँ पर दिए हैं जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में या टैबल फॉर्म में देख रहे हैं अब आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है बेटा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ एम माई राइट तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे कि आपको पता है मैंने आपको बता दिया था तो रोस्टर फॉर्म में जब भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें आपको क्या पता होना चाहिए बेटा आपको पता होना चाहिए ओके विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट हाँ हम कहां पर थे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे थे, थे. इसमें आपने क्या देखा बेटा यहाँ पर पे इसमें आपने देखा कि मैंने uh, कुछ सेट यहाँ पर पे आपको प्रोवाइडेड है चलिए एक सेट हम पर पे ले लेते थे सपोज आपने एक सेट लिया आप कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ पर पे किसी एक सेट के साथ जैसे आप सेट में कंटिन्यू हो रहे हैं यहां पर सेट आपको दिया थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो इसको आपको क्या करना है बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था यदि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन क्या बताई मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन ये बताई थी कभी भी आप उन आ, सेट में जो आपको रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स सेट दिए उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जैसे थ्री हो गया सिक्स हो गया नाइन हो गया ट्वेल्व इनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए ठीक है क्योंकि आप जब कभी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा क्या होता है एक डिस्क्रिप्शन होता है ठीक है और वो क्या होता है बरबे उस सेट में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है इज इट नॉट तो देखिए यहाँ पर पे देखिए थ्री है चलिए ठीक है तो थ्री को मैं क्या लिख सकती हूँ थ्री इंटू वन सिक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर थ्री इंटू टू नाइन को क्या लिख सकती हूँ थ्री इंटू थ्री ट्वेल्व को क्या लिख सकती हूँ बेटा थ्री इंटू फोर आपको समझ में आ रहा होगा शायद यहाँ पर पे कि इसमें बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट का कॉमन मल्टीप्लायर क्या है बेटा थ्री है आदि बात पर है दूसरा नंबर कुछ भी हो लेकिन कॉमन मल्टीप्लायर क्या इन सभी एलिमेंट्स का थ्री है तो क्या मैं इसको थ्री इंटू एन या मैं इसको थ्री एन लिख सकती हूँ यहां पर पे बिल्कुल लिख सकती हूँ यहां पर पे कहने का मतलब यह है कि हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर उसकी कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पर हम बोल सकते हैं कि इन सभी का कॉमन मल्टीप्लायर क्या है थ्री है यहाँ पर पे. तो मैं यहाँ पर पे सेट को कुछ इस तरीके से बता देती हूँ क्या हमारा सेट क्या है बेटा ए सपोज कर लेते हैं ए इज जस्ट अ सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ थ्री एन सच देट एन क्या है बेटा यहाँ है पर पे Such that, N क्या यहाँ पर पे देखिए एन की वैल्यू वन भी पॉसिबल है टू भी पॉसिबल है थ्री भी और फोर भी पॉसिबल है क्योंकि जो हमको रोस्टर फॉर्म है सॉरी हाँ रोस्टर फॉर्म में जो सेट हमको दिया है उसके पास सिर्फ चार ही एलिमेंट्स है एन इज इक्वल्स टू वन रखा जा सकता है टू पॉइंट मिलेगा एन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट नाइन मिलेगा और एन इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट ट्वेल्व मिलेगा तो इस तरीके से एन को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहां पर पे एन को क्या बताया जा सकता है यहाँ पर पे इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है हाँ यहां पर पे इज इज लेस लेस देन देन और और टू टू मतलब एन जो है वो यहाँ पर पे क्या है यहाँ पर पे? उसकी हमको इन्फ्लीम वैल्यू भी पता है और हमको उसकी सुप्रीम वैल्यू भी पता है मतलब हम एन इज इक्वल टू वन केन भी रख सकते हैं और वन से ऊपर टू थ्री भी रख सकते हैं साथ ही साथ हम फोर भी रख सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर एन को बॉन्ड कर दिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस तरीके से हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहां पर पे रेस्ट्रिक्ट करते हुए अपना क्या तैयार कर सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पे हाँ एक हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर थ्री एन बता सकते हैं पर इज जस्ट अ सेट ऑफ थ्री एन वे एन इट्स अ लिख सकते हैं आप यहाँ पर पे और इसको क्लियर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इज जस्ट अ सेट ऑफ एलिमेंट थ्री एन सच देट एन इज अ नेचुरल यू कैन नेचुरल नंबर कौन सा नंबर है बेटा नेचुरल नंबर है और किस तरीके का नंबर है एंड करके एक और आप ये अपने uh, इस तरीके से इस पूरे थियोरिकली डिस्क्रिप्शन को आप कली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए तो इस तरीके से आप उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं चलिए अब हम uh, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक काम करते हैं एक्सरसाइज और एक क्यूशन लेकर समझने की कोशिश करते हैं बताइए अब हम कौन सा लें दूसरा सेकंड वाला लें पर पे ठीक है सेकंड ले लेते हैं यहाँ पर पे सेकंड क्या दिया बेटा यहाँ पर पे सेकंड वाला देखिए सेकंड में क्या दिया सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है टू है फोर है एट है सिक्सटीन है और थर्टी टू आपके पास इफ एम आर राइट तो मुझे एक चीज बताइए तो कॉमन मल्टीप्लायर टू तो वैसे ही दिख रहा है हमको लेकिन इसके अलावा टू को हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर टू को हम टू की पावर वन लिख सकते हैं बेटा ठीक है फोर को हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है सिमिलरली जैसे यहाँ पर पे और देखिए आप फोर को आपने क्या लिख दिया यहाँ पर का स्क्वायर एट को आप क्या लिख सकते हैं बेटा टू का क्यूब सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं टू टू दी पावर फोर थर्टी टू को क्या लिख सकते हैं टू टू दी पावर फाइव तो कहीं ना कहीं आप इस ओवरऑल फॉर्मेट को एक सिंगल फॉर्मेट में इससे समझ में क्या आ रहा है जैसे मैंने इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को इस तरीके से एक्सप्रेस किया बेस टू लेकर के एक्सप्रेस एक्ष्प्रे, किया एक्सपोनेंट फॉर्म में तो मैं इसका एक कॉमन एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ टू टू दी पावर एन आ रही बात समझ में अपना साथ यदि ए सपोज करूं तो एक इस तरीके का सेट होगा यहाँ पर पे एक इस तरीके का सेट होगा इज जस्ट अ सेट ऑफ एलिमेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ टू टू पावर एन सच दैट एन इज अगेन नेचुरल नंबर एन इट्स अ नेचुरल नेचुरल नंबर ठीक है एंड एन के लिए फिर से आप रेस्ट्रिक्शन लिख दीजिए एन इज इक्वल्स टू वन पॉसिबल है टू पॉसिबल है थ्री पॉसिबल है फोर पॉसिबल है और फाइव पॉसिबल है मतलब एन क्या हो जाएगा यहाँ पर पे एन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन बट लेस देन आर इक्वल्स टू वट फाइव इस तरीके से आप एन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए और ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन को कर ली ब्रैकेट में एन क्लोज कर दीजिए तो ये जो अब आपका बना है बेटा ये जो अब आपका बना है ये फाइनल क्या बन गया यहाँ पर पे आपका रोस्टर फॉर्म में सेट तैयार हो गया यहां पर पे आ रही बात समझ तो देखिए इस तरीके से आपको अपनी कॉमन प्रॉपर्टी समझनी होगी मतलब जो कुछ भी आपको रोस्टर फॉर्म में सेट दिया होगा उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें हर एक एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी आपको लेनी है सभी एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी और उसी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप एक सिंगल फॉर्मेट लेते हैं जैसे एक सिंगल फॉर्मेट मैंने क्या लिया टू टू दी पावर एंड के तौर पे मैं अपने सेट के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ यहाँ पर पे। ठीक है आ रही बात समझ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे का एक और क्वेश्चन क्लियर करती हूँ आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आई अब इसमें देखो बेटा क्या दिया है थर्ड बता दू ये हमारा लास्ट होगा क्या दिया इसमें देखो सेट क्या दिया आपको रोस्टर फॉर्म में पांच दिया है पच्चीस दिया है एक सौ पच्चीस दिया और छह सौ पच्चीस दिया है अब देखिए ये तो आपको साफ समझ में आ रहा है ये क्या है फाइव टू दी पाव वन ये फाइव का स्क्वायर ये फाइव का क्यूब ये फाइव टू दावर फोर है कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है मतलब मैं यदि इसको एक ये सारे एलिमेंट्स को यदि एक इसके लिए कॉमन फॉर्मेट लू तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर पे? क्या क्या लिख सकती हूं पर फाइव टू दी पावर एन लिख सकती हूँ कॉमन फॉर्मेट आप देखिए कही कहीं ना कहीं पावर में ही वेरिएशन हो रहा है बेस तो आपका सेम बना हुआ है पांच 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 तो फिर से वही हो जाएगा यहां पर पे कोई सेट ए सपोज करते हो तो सेट ए इज जस्ट अ सेट ऑफ

Uh, तैयार तो आप, तो हो गया इसके लिए फॉर्म तो इस तरीके से हर एक की बारीकी को आपको समझना होगा अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोलता है चलिए मैं स्टडी करती हूँ लिस्ट ऑन दिलीमेंट ऑफ है एलिमेंट्स ऑफ सेट, ओके मतलब वही यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा 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 वही फिर से आपको वही काम करना है, है ना? अच्छा, इसके लिए एलिमेंट आपको तैयार करना है मतलब वही इन शॉर्ट वही सेम काम है बेटा जिसके आपने पहले किया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपने किया है मतलब आपको फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया अब आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इट्स नॉट अ बिग डील ये आप कर सकते हैं मेक श्योर sure आप ये कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में तैयार करना है तो ये कोई बहुत बहुत भारी बात नहीं है लेकिन आप इसमें सेट नहीं तैयार करना है रोस्टर फॉर्म एक अपने आप में एक सेट है आ बात समझ यहाँ पर पे आपको सिर्फ एलिमेंट्स तैयार करने बोल रहा है लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स तो इसमें आ, और बल्कि आपको समझ लीजिए नाइन्टी परसेंट वर्क बस करना है सौ परसेंट ना करके नाइन्टी परसेंट वर्क बस आपको करना है एंड क्लोजिंग्स विद इन करली ब्रैकेट्स नहीं करना सिर्फ लिस्ट तैयार कर देनी कलेक्शन तैयार कर देने दरी बात समझते ये तो और भी सिंपल हो गया आपके लिए चलिए तो बताइए इसमें से मैं कौन सा एक आपको बताऊं चलिए थर्ड में आते हैं सीधे थर्ड में आते हैं हम यहाँ पर क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत स्मार्ट पर्सन है आप इतना कुछ समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट की अब आगे आप खुद भी डील कर सकते हैं तो मैं कौन सा बताऊं एक पहला तो बहुत इजी है दूसरा भी बहुत इजी है दूसरा भी आप बना ही लेंगे हियर इज नो डाउट आफ्टर ऑल आप एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है देखिए मैं आपको यहाँ पर पे क्लियर कर देती हूँ शायद यहां पर हो सकता है आपको कोई डाउट आए फिफ्थ का सेकंड फिफ्थ का सेकंड देखिए यहां पर पे बेटा ये चीज आपको थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब करे क्योंकि इसमें आपको जो दिया ना बेटा वो एक्चुअली में क्या यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है किसमें दिया बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में आपको नंबर्स दिए हैं है ना एक्स को किसमें लाइज बताया गया यहाँ पर बिटवीन द माइनस वन बाय टू एंड एंड बाय नाइन बाय टू तो लेट मी क्लियर आपको ये चीज कन्फ्यूज करिए रैशनल नंबर आपको कन्फ्यूज करे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है रैशनल को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए वो आपके लिए और भी अच्छा होगा इससे आप जल्दी कैच कर पाएंगे मैं इसमें हिंट देकर छोड़ देती हूँ आपको चलिए मैं ही कोशिश करती हूँ आपकी हेल्प करने की जैसे कि एक्स को इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं फिफ्थ का कौन सा बताने जा रही हूँ आपको सेकंड तो फिफ्थ का सेकंड देखिए बेटा फिफ्थ के सेकंड में आपको दिया है सेट बी किस तरीके का सेट है इज जस्ट अ सेट ऑफ ऑल दिलीमेंट ऑफ एक्स सच देख इजर्स एंड लाइफ बिटवीन माइनस लेकिन दो रेशनल के बीच है so, आपको कर रहे, तो आपको कंफ्यूज करे तो रेसनल का फॉर्म चेंज कर दीजिए एक्स क्या बेटा माइनस वन बाय टू से बड़ा है और क्या यहां पर छोटा है तो माइनस वन बाय टू का मतलब माइनस जीरो पॉइंट फाइव हो गया इफ एम आर राइट अरे बात समझ हाफ इसको डेसिमल में करेंगे, तभी आप और मतलब से आगे, बढ़ते तो से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा बताइए मुझे नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा बोलिए आई थिंक जीरो आपको मिलेगा ठीक है नेक्स्ट आपको इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जीरो और जीरो एक इंटीजर है तो वो सेट में शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा जीरो के बाद आप तो आगे बढ़ेंगे तो वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा बात यहां पर समझ भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपको लेना है लेट मी क्लियर एक्स इन दो रैशनल्स के बीच या इन दो फ्रैक्शन के बीच बिलोंग भी करता है बेटा या इन दोनों के बीच है बट आपको जो लिस्ट प्रिपेयर करनी है वो सिर्फ इंटीजर्स को लेकर प्रिपेयर करनी क्वेश्चन में क्लियर बोला है मैं वापस रिकॉल करना चाहूंगी क्वेश्चन में आपको वापस बोला देखिए तो ने क्या लिखा इट्स जस्ट अ सेट ऑफ एलिमेंट टैक्स एक्स एक्स एन एन एक्स एन क्या लिखा है इसको पढ़ो यहां पर एन तो आप डेसिमल्स को नहीं ले सकते डेसिमल्स so तो रैशनल नंबर है ना बट दैट आर नॉट इन टीजर्ट्स एंड तो इन दोनों के बीच इन दो डेसिमल्स या रैशनल्स के बीच बिलोंग करने वाले इंटीजर्स क्या है जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है छूट गया हो तो देख लीजिएगा बाकी अभी तो मुझे इतने ही समझ में आ रहे हैं तो ये क्या है इस रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल भी कर रहे हैं और हमारा काम भी हो जा रहा है ठीक है चलिए तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा है ना तो बस आपको उसको एनक्लोज वगैरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको सेट प्रिपेयर करने नहीं बोल रहा है सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने बोल रहे हैं एलिमेंट्स बताने बोल रहे थे एलिमेंट्स हमने तैयार कर लिए चलिए ऐसी बात है तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक थर्ड नंबर को और देख लीजिए सी कोई एक ऐसा सेट है जो से मिलकर के बना और इंटीज के लिए एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया एक्सर क्या बोल रहा है आर टू हैं तो मुझे ये बताइए इज इज आर टू टू का मतलब मैं क्या क्या वैल्यू रख सकती हूँ मुझे ये बताइए एक्स इज इक्वल्स टू मैं क्या क्या वैल्यू रख सकती हूँ ना एक्स स्क्स टू फोर बोल रहा है तो मैं एक्स इज इक्वल टू देखिये स्क्वायर है मतलब मैं नेगेटिव नंबर को भी ले सकती हूँ क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर भी नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है ठीक है वो क्या आना चाहिए चार के बराबर अथवा चार से छोटा तो मैं टू, आ, प्लस माइनस रख सकती हूं? ठीक है टू जीरो भी रख सकती हूँ क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा जो कि लेस देन फोर है मतलब मेरा मेरा जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू प्रूफ हो रही है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन पे भी और एक्स इज टू जीरो पे भी अब मैं एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू भी रख सकती हूँ बेटा क्यों एक्सएस माइनस टू क्यों रख सकती है? क्योंकि आपको पता है आप प्लस टू लीजिए तब भी माइनस टू लीजिए तब भी दोनों कंडीशन में आपको टू का स्क्वायर फोर ही मिलेगा और चूंकि हमको क्या रेस्ट्रिक्शन दिया गया हमारी इन क्या है एक्स स्क्वे टू फोर तो एक्स की किन किन वैल्यूज पर प्लस माइनस वन पर जीरो पर और प्लस माइनस टू पर इन पांच वैल्यूज पर आपका जो इनक्वालिटी है वो ट्रू प्रूफ होगा या आपकी इन बनी रहेगी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर भी ठीक है आ रही बात समझ तो इस बेसिस पर आपके पास जो शॉर्टलिस्टेड एलिमेंट्स हैं वो हैं प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और जीरो पांच एलिमेंट्स यहाँ पर तैयार होते हैं इस तरीके से आपको आंसर मिल सकता है माइनस वन प्लस वन सॉरी माइनस वन से बड़े जीरो फिर वन देन टू है ना इस तरफ जाएंगे तो आप माइनस टू तो ये इस तरीके से आपके पांच एलिमेंट्स तैयार होते हैं ठीक है आपको सिर्फ इनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है सेट तैयार नहीं करना सेट तैयार करने के लिए कुछ और नहीं करना होता आपको सिर्फ इन्हें ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना होता इट्स नॉट अ बिग डील यही तैयार कर लेते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा बहुत टाइम हो गया अब हम आगे बढ़ेंगे अब आगे आप बताइए मैं कौन सा से बताऊ इसमें देखिए सब चीज समझने की तो आप समझ ही सकते हैं मैं हिंट देख करके छोड़ देती हूँ क्योंकि टाइम की यहाँ पे कमी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप देखेंगे यहाँ पर पे बेटा ई को कैसा सेट बताया जा रहा है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच देस इज अंथ ऑफ अ इट है थर्टी वन डेज आपको एक्स को क्या बताना यहाँ पर मंथ से मिलकर के बना सेट के तौर पर तैयार करना और किस मंथ से जिसके पास थर्टी फर्स्ट नंबर ऑफ डेज ना होते हो आ रही बात यहाँ पर समझ तो आप शुरुआत फेब्रवरी से कर दीजिए फेब्रवरी के पास थर्टी वन नंबर ऑफ डेज है नहीं तो जिस जिस के पास थर्टी वन नंबर ऑफ डेज जो कंटेन ना करता हो उस मंथ को आप उस कलेक्शन में तैयार कर लीजिए जैसे कि फेबर को छोड़ के आप आगे बढ़िए है ना मार्च ले सकते हैं है ना अल्टरनेटिव होता है जैसे आपको पता होगा उनको आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए से नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंट देना चाहूंगी नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको एक ऐसा सेट बताया जा रहा है यहाँ पर सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट बैट विच प्रेसिड के के का मतलब यहाँ पर पे ये है इंग्लिश uh, अल्फाबेट uh, तो आप जानते हैं छब्बीस अल्फाबेट है ए टू जेड तो ये आपको बोल रहा है कि आप अब ये देखिए ये अल्फाबेट टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है जिसमें uh, पांच तो वॉवल्स होते हैं है ना आपको पता ही होगा इन पांच वॉवल्स ए ई e, आई ओ यू को छोड़कर बाकी बचे जो अल्फाबेट है देट इज कॉल्ड कंसोनेंट तो आपको करना क्या है इन के से पहले आने वाले पहले तो आप क्या कर लीजिए अल्फाबेट को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए शॉर्टलिस्ट का मतलब जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ठीक है के को आप शामिल नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, क्या बोल रहे हैं बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर विच प्रेसिड इंस के के पहले आने वाले ठीक है चलिए अब यहाँ तक मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया ए बी सी डी e, ई एफ जी एच वो छूट तो नहीं रहा यहां पर देख लीजिए अब इसमें हमको क्या इन पूरे को ले सकते हैं क्या नहीं इसमें सिर्फ कंसोनेंट को लेना है तो इसमें वॉवल भी इंक्लूडेड है तो लेट मी क्लियर वॉवल कौन कौन है ए कैंसिल हो गया ई कैंसल हो गया ई के बाद आई आई कैंसल हो गया तो अब जो आपके पास बच रहे हैं वो कंसोनेंट है तो आप जो, जो एक्चुअल जो लिस्ट तैयार होगी वो किस एलिमेंट को लेकर होगी बी सी डी एफ जी एच और जे आ रही बात समझ तीन और तीन छह और एक सात ये सेवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो की कंसोनेट है शॉर्टलिस्ट कर दी है आप चाहें तो इन्हें कर लिया ब्रेकेट्स में एनक्लोज करके रोस्टर फॉर्म या टेबलेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपने दिए हुए सेट बिल्डर फॉर्म को चले तो ये कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं बेटा ये बहुत ही इजी है आप चाहें तो अब तक का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ओके अब हम आगे बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्यो क्वेश्चन नंबर सिक्स

फॉर्म में जस्ट बिकॉज कोई सेट रोस्टर फॉर्म में असल में आइडेंटिफाई हो पाता है समझ आ पाता है कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और किस तरह के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस गिवन रोस्टर फॉर्म सॉरी टू गिवन दिस सेट बिल्डर फॉर्म जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है पहले तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चलिए पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है तो जैसे ए पहला आपको क्या दिया यहाँ पर ए